नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महामारी के इस दौर में हम महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं। आपका सेशन आरंभ हो चुका है, आपकी परीक्षा का आयोजन न होते हुए आप प्रमोट होकर के अगली कक्षा में कर्मोन्नत हो चुके हैं। यहाँ पर आयुक्तालय के नवीन निर्देशानुसार आपका अध्ययन सतत जारी रहे, इसके लिए YouTube लेसन के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा आपको मुहैया कराई जा रही है। यहाँ आपको आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाने हैं उनकी वीडियो क्लिप यूट्यूब लेसन के रूप में आपको उपलब्ध होगी। आयुक्तालय के निर्देशानुसार ये यूट्यूब लेसन महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है तथा इसका लिंक आपको आपकी कक्षा के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वह आपके बीएससी पार्ट थर्ड बायोलॉजी स्टूडेंट्स के रूप में, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ग्रुप के रूप में उपलब्ध है, आपको इसे जोड़ा जा रहा है। मेरी आपसे एक आग्रह है कि मैंने देखा है कि जैसे ही टीचर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं आप उससे एग्जिट हो जा रहे हैं। आपको विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, आप अपने साथियों को भी इस बात को प्रचारित और प्रसारित करें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप महाविद्यालय टीचर्स के द्वारा आपने हितार्थ बनाया गया है और उससे आपको जोड़ा गया है और उसमें आपको जो पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करा जा रही है उसको गहनता से अध्ययन करें, सुनें और अपना अध्ययन जारी रखें। तो ये बात आप विशेष रूप से आपको कही जा रही है कि आप अपने कक्षा के अन्य साथियों से भी इस बात का प्रचार प्रसार करें कि महाविद्यालय में जो ऑनलाइन अध्ययन सुविधा प्रदान की जा रही है उसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और उसमें आपको जोड़ा गया है, इसलिए इसमें जो उपलब्ध अध्ययन सामग्री है उसको आप जो है वो अपने अध्ययन कार्य में प्रयुक्त करें। यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मैं पेपर सेकंड जिसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स पर अपने व्याख्यान इस YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा और उसका लिंक मैं आपके WhatsApp ग्रुप में दूंगा। आपको चाहिए कि आप इन लेसन्स का अध्ययन करें तथा आयुक्तालय के नवीन निर्देशानुसार आपके लेसन के बाद में जो क्लास वर्क या होमवर्क दिया जा रहा है उसको गहनता से शब्द सीमा में जो अंक निर्धारण है उसके अनुसार हल करने का प्रयास करें। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, ये आप जानते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करें और तत्पश्चात सारगर्भित संक्षिप्त आंसर हमें प्रेषित करें जिससे कि उनका मूल्यांकन हो सके। आपके विश्वविद्यालय के अनुसार जो बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के लिए सेकंड पेपर जो निर्धारित किया गया है उसमें 3 यूनिट हैं और तीनों यूनिट में क्रमशः साइटोलॉजी जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स के टॉपिक्स सम्मिलित किए गए हैं। हम इस पेपर को आज आरंभ कर रहे हैं और सर्वप्रथम हम यूनिट फर्स्ट को यहाँ पर अध्ययन के लिए
चयनित कर रहे हैं। शीर्षक है, शीर्षक साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोशिका विज्ञान हमारे थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोई नया नहीं है। हम पूर्व कक्षाओं में इसका सविस्तार अध्ययन कर चुके हैं तथा जिनके जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको भी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स आदि का अध्ययन आपके इस 3 वर्षीय अध्ययन में करने को मिलता है। इसलिए आप इसको गहनता से अध्ययन करें। मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को आरंभ करने से पहले जो अभी तक आपने अध्ययन प्राप्त किया है कोशिका और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, उसका पूर्वावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दो शब्द यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रयुक्त हैं, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। आज के इस टॉपिक में हम इन दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे। कोशिका की खोज और उसके अंतर्गत किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कोशिका विज्ञान अन्य वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के साथ मिल करके कुछ सब ब्रांचेज का निर्माण करती है जो हमें आगे आने वाले अध्ययन में सुविधा प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय साइटोलॉजी का प्रारंभ हुआ या कोशिका को खोजा गया, मुख्यतः हम मानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बोटल कॉर्क का अध्ययन किया गया उसके पश्चात कोशिका शब्द का अस्तित्व आया। लेकिन आज की उन्नत तकनीकों की सहायता से हम बहुत गहराई तक कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका अंग की विभिन्न कार्यशैली का, संरचना का आणविक स्तर पर भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव और ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैन माइक्रोस्कोप आदि आदि बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो गई है। इसलिए दूसरी जो बॉटनी की डिसिप्लिन है उसके साथ कोशिका का क्या साहचर्य है, वह हमें दोनों मिलकर के किस प्रकार से हमारी समस्याओं का निदान करते हैं यह हम देखेंगे। दो सिद्धांत कोशिका को लेकर के प्रतिपादित किए गए थे उसका आज हम अध्ययन करेंगे, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी और प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी जीवद्रव्य सिद्धांत। इसी के तहत हम संक्षिप्त में कोशिका विज्ञान का इतिहास आएगा, लेकिन उसको हम आगे अलग लेसन में देखेंगे, उसके पश्चात क्लास वर्क या होमवर्क होगा। जैसा कि हम जानते हैं कोशिका जीव शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई माना गया है। कोशिका और कोशिका संगठन का अध्ययन जब प्रारंभ हुआ तो हमने साइटोलॉजी शब्द प्रयुक्त किया। साइटोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है, काइटोस प्लस लोगोस। काइटोस का अर्थ होता है कंटेनर, ए सेल, पात्र या कोशिका, और लोगोस का अर्थ होता है टू डिस्कर्स या अध्ययन। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि पादप शरीर में जो कंटेनर या सेल नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसका हम अध्ययन करें। इस बात को एरिस्टोटल और पेरासिलस ने कंक्लूड करते हुए लिखा था, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउ एवर कॉम्प्लिकेटेड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ए फ्यू एलिमेंट्स विच आर रिपीटेड इन ईच वन ऑफ देम। तो एरिस्टोटल ने भी इस संकल्पना को अपने अनुसार प्रदत्त किया था, लेकिन चूंकि ये 1400 में आकर के और साइटोलॉजी का अध्ययन आरंभ हुआ, कोशिका संबंधी
जो तथ्य हैं उसको हमने साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करना आरंभ किया, लेकिन नई नई तकनीक के साथ जब इसमें बहुत सारे अन्य अवयव जुड़े, अध्ययन की सीमाएं बढ़ी, तो हमने जो है वो एक शब्द काम में लिया, सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान में साधारणतः हम कोशिका की संरचना, इसके कार्य, संगठन, गुणन, वंशगति व अन्य जो कार्य हैं इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं, उन सब को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोशिका के अंदर समाहित सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, केंद्रक, केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम्स, उसकी वंशागति, कोशिका की कार्य की आदि आदि का अध्ययन हम कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान में करते हैं। दूसरी अन्य जो डिसिप्लिन है उसके साथ कोशिका का अध्ययन कुछ उप ब्रांचेज या उप शाखाओं का निर्माण करता है, जो हमें नवीन समय में नवीन पद्धति के अनुसार तथ्य प्रदत्त कराती है और हमारे लिए वह लाभकारी होती है। मुख्यतः इसमें कोशिका अनुवंशिकी, साइटोजेनेटिक्स, कोशिका कार्य की, सेल फिजियोलॉजी, कोशिका रसायन, साइटोकेमिस्ट्री, कोशिका वर्गी की, साइटो टैक्सोनॉमी आदि आदि मुख्य हैं। साइटोजेनेटिक्स और कोशिका विज्ञान का जो संबंध है उसके अंतर्गत कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार, जीनों के पुनर्संयोजन के आपसी संबंध का आणविक आधार, विविधताएं, उत्परिवर्तन, जातिवर्त संरचना और सजीवों के विकास का अध्ययन हम साइटोजेनेटिक्स में करते हैं। सेल फिजियोलॉजी या कोशिका कार्य की, पादप कोशिका की झिल्ली की प्रकृति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों का सक्रिय स्थानांतरण, वातावरणीय परिवर्तन के फलस्वरूप कोशिकांगों की प्रतिक्रियाएं, कोशिका पोषण, वृद्धि, स्तरवण व अन्य प्रकार्यात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम कोशिका विज्ञान और फिजियोलॉजी को मिला करके करते हैं। साइटोकेमिस्ट्री कोशिका रसायन के अंतर्गत जीवित पदार्थों का रासायनिक और भौतिक रासायनिक विश्लेषण करते हैं। रेडियो एक्टिव तकनीक और ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में विभिन्न अवयवों की रासायनिक और भौतिक संरचना का विस्तृत अध्ययन हम साइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, जैसा कि आपने पिछले कक्षा में टैक्सोनॉमी पेपर के अंतर्गत पढ़ा था, टैक्सोनॉमी का कार्य साइटोलॉजी ने बहुत सुलभ किया है। टैक्सोनॉमी में हम मूलतः क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आदि कार्य करते हैं और इसमें कोशिका संरचना, गुणसूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इनके आपसी संबंधों का पता लगाते हैं, वर्गीकरण में ये सहायता करते हैं। कई ऐसे तथ्य हमारे समक्ष आए हैं जिनको कोशिका विज्ञान के सहायता से हमने हल किया है और उनको उनकी नियत स्थान पर वर्गीकृत किया है।